हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता किन्नू डॉट कॉम। गीता किन्नू डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे समा के चावल के पुलाव, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन्हें बनाने में। अगर आपको कोई इंस्टेंट रेसिपी चाहिए तो आप इसे बना सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे बनाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 ग्राम समा के चावल, ये व्रत वाले चावल होते हैं। एक बड़ा आलू जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है ताकि काले ना पड़े। 2 टेबल स्पून हमें देसी घी चाहिए या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप व्रत में यूज़ करते हैं। एक बड़ा लाल टमाटर जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, अगर आप लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेंधा नमक लिया है स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम चावलों को साफ करके इसे 2 बार अच्छे से धो लेंगे। अब हम गैस पे कुकर चढ़ाएंगे, इसमें हम तेल डाल देंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे हल्का सा ढक दिया है क्योंकि छींटे आ रही थी। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार सेंधा नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। काली मिर्च ऐड कर देंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड कर देंगे। आलू को भी फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ये धुले हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये चावल पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसे ढक देंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए।
गैस को मैंने हाई पे रखा है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम खोलकर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ये चावल पानी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेंगे। ये देखिए 1 सीटी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने तक इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। प्रेशर हमारा निकल चुका है, खोल लेते हैं ढक्कन, चेक कर लेते हैं चावल। चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल, देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। अभी ये आपको थोड़े से गीले लग रहे होंगे, पर जैसे ही आप इसे प्लेट में निकालेंगे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पुलाव तैयार हो गए हैं। बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इस बार नवरात्रों के व्रत में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।